हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, अब डॉपलर इफेक्ट हमारे पास क्या होता है, ये भी एक रिलेटिव मोशन होता है। ठीक है, रिलेटिव मोशन आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे एक एरोप्लेन है, पहले बहुत दूर आ रहा है, मैं देख रही हूँ, तो पहले एरोप्लेन की आवाज़ बहुत थोड़ी सी दिखेगी मुझे। ठीक है, जैसे ही नज़दीक आना स्टार्ट होगा मुझे कितनी साउंड स्टार्ट होगी, ठीक है, मुझे कितनी साउंड दिखे सुनाई देगी, बहुत ज़्यादा। अब जैसे ही वो मेरे बिल्कुल नज़दीक आएगा मुझे सबसे ज़्यादा साउंड सुनाई देगी, फिर जैसे ही वो दूर चला जाएगा फिर से मुझे साउंड कम सुनाई देगी। तो ये क्या है, रिलेटिव मोशन है। अगर मेरे दूर है तो मुझे कम साउंड सुनाई दे रहा है, अगर मेरे नज़दीक है तो वो ज़्यादा साउंड सुनाई दे रहा है। तो ये क्या है, एक रिलेटिव मोशन है। तो कितनी फ्रिक्वेंसी मुझे कम ज़्यादा दिख रही है, तो उसका फॉर्मूला क्या है। अब यहाँ पे देखो, ये एक सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स ही है, जैसे मैंने बोला था एरोप्लेन। ठीक है, ये क्या है, वी वेलोसिटी, क्योंकि एरोप्लेन ही मूव करता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो एरोप्लेन सोर्स है कोई, वो क्या है, वी वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, वी वेलोसिटी के साथ इस तरफ मूव कर रहा है, कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, जैसे मैं खड़ी हूँ, मेरे साथ ये एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, मेरे साथ ये एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, अब ये सोर्स है, कितनी जो लाइट अमिट कर रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, न्यू नॉट, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, न्यू नॉट, अपने रेस्ट फ्रेम में। ठीक है, ये क्या है, फ्रिक्वेंसी इन इट्स रेस्ट फ्रेम, इसके अपने मींस यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा हो वो देख रहा है कि कितनी लाइट अमिट कर रहा है, तो उसके लिए कितनी हो जाएगी, न्यू नॉट। बट यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, इसके लिए ये सोर्स एंगल थीटा बना रहा है, थीटा देखो कि ये इस तरफ मूव कर रहा है और यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है। ठीक है, तो इससे कितनी फ्रिक्वेंसी दिखेगी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी इसे दिखेगी, न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू नॉट बाय गामा वन माइनस वी बाय सी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, वी क्या है, किस वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो यहाँ से गामा की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ, न्यू नॉट वन माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर वन माइनस वी बाय सी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, थीटा की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, जैसे मैं थीटा की वैल्यू 90 रख दूँ, थीटा की वैल्यू अगर मैं 90 रख दूँ तब क्या होगा, अगर थीटा की वैल्यू 90 रख दोगे, कॉस 90 कितना होता है, ठीक है, वी नॉट वन माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर वन माइनस वी बाय सी कॉस ऑफ 90, कॉस ऑफ 90 ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे इतनी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट केस, अगर थीटा की वैल्यू 180 हो जाए तब क्या होगा, तो ये हो जाएगा वन माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर वन माइनस वी बाय सी कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180 की वैल्यू माइनस वन, तो ये आ जाएगा वन माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। इसको भी एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का ए माइनस बी और ए प्लस बी का, ठीक है, ऐसे लिख दिया, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो एक टर्म ये रही एक ये रही, तो इसको आप लिख दोगे वन माइनस वी बाय सी बाय वन प्लस वी बाय सी। ठीक है, इतनी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। अगर एंगल 180 की जगह पे ज़ीरो हो तब क्या हो जाएगा, ज़ीरो के लिए ये हो जाएगा वी नॉट वन माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर, इसको हम चलो ऐसे ही रखते हैं, यहाँ पे वन माइनस वी बाय सी कॉस ऑफ ज़ीरो, कॉस ऑफ ज़ीरो वन होता है। ठीक है, यहाँ पे ओपन कर लो इसको, वन माइनस वी बाय सी और वन प्लस वी बाय सी, नीचे क्या बन गया है, वन प्लस सॉरी नीचे वन माइनस वी बाय सी बन गया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी नॉट रूट वन प्लस वी बाय सी, क्योंकि अब एक टर्म ये रही एक ये रही, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, एंगल पे डिपेंड कर रही है, अगर एंगल 90 है तो ये हो जाएगी, अगर 180 है तो ये हो गया, अगर ज़ीरो है तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है।
अब क्वेश्चन लिखते हैं इसका। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कंसाइडर आ, कंसाइडर आ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस दैट इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड सी बाय टू विद रिस्पेक्ट टू दी लैफ फ्रेम, इट अमिट्स गामा रेज, इट अमिट्स गामा रेज ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इन इट्स रेस्ट फ्रेम, इन इट्स रेस्ट फ्रेम देयर इज अ स्टेशनरी डिटेक्टर विच इज नॉट ऑन दी पाथ ऑफ न्यूक्लियस इन दी लैब। इफ आ गामा रे फोटोन इज अमिटेड when the nucleus is closed to the detector it's observed frequency at the detector इज ऑप्शन है √3/2 न्यू नॉट, ऑप्शन बी है 1/√3 न्यू नॉट, ऑप्शन सी है 1/√2 न्यू नॉट और ऑप्शन डी है √2/3 न्यू नॉट। तो यहाँ पे क्या है, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है दैट इज़ ट्रेवलिंग एट अ स्पीड सी बाय टू विद रिस्पेक्ट टू द लैफ फ्रेम, इट अमिट्स गामा रेज ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इन इट्स रेस्ट फ्रेम, देर इज़ अ स्टेशनरी डिटेक्टर विच इज नॉट ऑन द पाथ ऑफ द न्यूक्लियस इन द लैफ फ्रेम। ठीक है, तो जो ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी है एट द डिटेक्टर, तो हमारे पास ये है एक सोर्स है, रेडियो एक्टिव मटीरियल है जो वेलोसिटी कितनी से जा रहा है, सी बाय टू वेलोसिटी से जा रहा है। अब उन्होंने कहा है कि डिटेक्टर कहाँ पे प्लेस किया है, ठीक है, डिटेक्टर कहाँ पे प्लेस किया है, अब हमें क्या पता, बट उन्होंने कहा है कि इसके इस लाइन में तो नहीं है डिटेक्टर, तो यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैसे मान लें, बट उन्होंने एक लाइन लिखी है, दी इफ अ गामा रे फोटोन इज अमिटेड वेन द न्यूक्लियस इज क्लोज्ड टू द डिटेक्टर। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोटोन अमिट कर रहा है व्हेन द न्यूक्लियस इज क्लोज टू द डिटेक्टर, तो क्लोज टू द डिटेक्टर क्योंकि जितना ज़्यादा क्लोज आएगा, जैसे एरोप्लेन वाली एग्जांपल थी, वो मेरे जितना ज़्यादा नज़दीक होगा उतनी मुझे ज़्यादा साउंड सुनाई देगी, तो जितनी ज़्यादा उसके नज़दीक होगी तो उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, तो सबसे ज़्यादा क्लोज फ्रिक्वेंसी मीन्स ज़्यादा फ्रिक्वेंसी चाहिए। तो अगर हम फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला देखें, न्यू नॉट 1-v² / c² 1-v/c cos ऑफ थीटा। अब देखो यहाँ पे जितना डिनोमिनेटर कम होगा उतनी आपके पास फ्रिक्वेंसी ज़्यादा आएगी, डिनोमिनेटर कम करना है। अगर आप यहाँ पे जैसे सपोज कर लो 90 रख दो, ठीक है, cos 90 क्या हो जाएगा,
कॉस 90 आपके पास, ये बन गया 0, तो 1 बन गया, तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आपको मिलेगी। अगर 0 या फिर कुछ रखोगे तो डिनोमिनेटर कुछ बनेगा, उसने क्या कर देनी है, फ्रिक्वेंसी को कम कर देना है। तो आपके पास सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आपको कब मिलेगी, अगर वो 90 डिग्री के एंगल पे होगा, ठीक है। तो ये डिटेक्टर ऐसे पड़ा है 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। तो ये इन दोनों में एंगल कितना है, 90। तो हमारे पास ये हो गया है न्यू नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। कितनी वेलोसिटी है, वेलोसिटी सोर्स की वेलोसिटी कितनी है, सी बाय 2 इंटू 1 बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा ये कैंसिल, 1 माइनस 1 बाय 4, तो न्यू नॉट ये 4 माइनस 1 बाय 4 न्यू नॉट, ये आ जाएगा रूट 3/4, तो न्यू नॉट रूट 3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन 1 क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। तो ये याद भी रख सकते हो कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आपको कब मिलेगी, जब वो 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एट डिस्टेंट सोर्स अमिटिंग रेडिएशंस, अमिटिंग रेडिएशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा मूव्स विद आ velocity 4c/5 in a certain direction with respect to a receiver as shown in the figure तो आपके पास ये डायग्राम कुछ ऐसे गिवन है, ये 4c/5 है, ये एंगल बना रहे थीटा, ये है सोर्स और ये है रिसीवर, ठीक है। दी अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसीवर इज 3 ओमेगा/2, लेट थीटा बी द एंगल एज शोन फॉर द रिसीवर to detect the radiations theta should be at least be 2। यहाँ पे देखो एक सोर्स है जो रेडिएशन एमिट कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, मूव्स विद एन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी गिवन है 4c/5, और उसकी नेचुरल उसकी अपनी रेस्ट फ्रेम में फ्रीक्वेंसी ओमेगा गिवन है, और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसीवर मींस ये मान सकते हैं हम, ठीक है। हाँ रिसीवर देखो, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसीवर, रिसीवर कितनी रिसीव कर रहा है फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा/2, तो जो रिसीवर है वो ऑब्जर्वर ही है, तो कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी 3 ओमेगा बाय
टू हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि थीटा क्या होना चाहिए, थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, न्यू डैश न्यू नॉट वन माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर वन माइनस वी बाई सी कॉस ऑफ थीटा। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 3 ओमेगा बाई 2। यहाँ से ओमेगा वन माइनस वी की वैल्यू 4c/5, ठीक है, इसका स्क्वेयर इंटू 1/c² डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी की वैल्यू 4c/5 इंटू सी कॉस ऑफ थीटा। सी के साथ सी कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ओमेगा के साथ ओमेगा कैंसिल, 3/2। ये टर्म को इस तरफ ले आते हैं, 1 - 4/5 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से रूट 1 - 4 का स्क्वेयर करोगे 16/25, तो ये आ जाएगा 25 - 16/25, ये 9/25, ये आ जाएगा 3/5। तो यहाँ से 3/2 1 - 4/5 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3/5। 3 के साथ 3 कैंसिल, 1 - 4/5, ये 2 को उस तरफ ले जाओ तो 2/5 बन जाएगा। तो 1 - 2/5 इसको मैं इस तरफ लेके आई, इसको दूसरी तरफ प्लस हो जाएगा, तो 5 - 2/5 इज इक्वल टू 4/5 कॉस ऑफ थीटा। ये बन गया है 3/5 इज इक्वल टू 4/5 कॉस ऑफ थीटा। यहाँ से ये कैंसिल, 3/4 कॉस ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स 3/4 आ गई है, ठीक है, थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स 3/4 आ गई है। तो यहाँ से आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अ सोर्स ऑफ लाइट अमिटिंग फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इज मूविंग इन अ सर्कल विद स्पीड 4c/5। What is the frequency detected by the detector placed at center of circle? तो यहां पे उन्होंने क्या कहा है कि सोर्स इज अमिटिंग फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इज मूविंग इन अ सर्कल विद स्पीड 4c/5। तो सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, तो सर्कल में मूव कर रहा है और इस वेलोसिटी से ही मूव करेगा 4c/5 वेलोसिटी से, और डिटेक्टर सेंटर पे प्लेस किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर डिटेक्टर सेंटर पे प्लेस किया हुआ है ये हर एक पॉइंट पे, क्योंकि ये रेडियस ही है, तो सर्कल में मूव करने के लिए वेलोसिटी और ये क्या होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, तो इन दोनों में एंगल कितना हो गया है 90 डिग्री, ठीक है। वेलोसिटी है 4c/5, तो v डैश क्या हो जाएगा, न्यू नॉट गिवन है, न्यू डैश हो जाएगा न्यू नॉट 1 - v² / c² 1 - v/c कॉस ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 90 कॉस ऑफ 90
कॉस ऑफ 90 क्या होता है, ज़ीरो। तो यहाँ से आ जाएगा न्यू नॉट 1 माइनस वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है 4c/5 का स्क्वायर 1/c का स्क्वायर, नीचे 1 ही बच गया है, ये कैंसिल। न्यू नॉट 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16/25, तो ये आ गया है 25 माइनस 16/25। 25 माइनस 16, 9/25, 9 का रूट 3, इसका रूट 25 का रूट 5 हो जाएगा। तो यहाँ से न्यू डैश हो जाएगा 3 न्यू नॉट/5। ठीक है, तो सिर्फ एंगल आपको पता होना चाहिए कि कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अ सोर्स कॉन्टिन्यूसली अमिटिंग लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट इज मूविंग विद वेलोसिटी 3c/5 आई कैप अ डिटेक्टर इज प्लेस्ड एट 0d0। What is the frequency measured by the detector at the moment source is at origin, at the moment where the source is at origin. Next question है, a source is continuously emitting light of frequency nu naught is moving with the velocity a detector is placed at. ठीक है, तो हमारे पास ये केस है, ये y डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है। ठीक है, डिटेक्टर पड़ा है 0d0 पे, मीन्स यहाँ पे कहीं पड़ा है, डिस्टेंस है d। ठीक है, यहाँ पे डिटेक्टर है। व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी मेजर्ड बाय द डिटेक्टर एट द मोमेंट द सोर्स इज एट ओरिजिन। तो जब सोर्स ओरिजिन पे पहुँच गया है तब वो कितनी फ्रिक्वेंसी डिटेक्ट करेगा। तो हमारे पास न्यू डैश किसके इक्वल होता है, न्यू नॉट 1 माइनस v² / c² √1 - v/c cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी गिवन है सोर्स की, कितनी गिवन है वेलोसिटी 3c/5 गिवन है, 1 - 3c/5 का स्क्वायर (1/c² डिवाइडेड बाय 1 - v की वैल्यू 3c/5 है (1/c). हमें cos थीटा की वैल्यू नहीं पता कि डिटेक्टर और सोर्स, क्योंकि सोर्स जा रहा है i डायरेक्शन में, मींस इस तरफ जा रहा है, कितनी वेलोसिटी के साथ, 3c/5 वेलोसिटी के साथ। अब देखो सपोज, क्योंकि डिटेक्टर यहाँ पे जाएगा और पहुँचेगा ओरिजिन पे, तो ये सपोज कर लो यहाँ पे है, तो कितना एंगल बना रहा है, ये डिटेक्टर है, ये सोर्स है, तो ये एंगल बना रहा है थीटा, और यही हमें चाहिए। तो ये क्या करेगा, थीटा एंगल है। अगर आपको थीटा चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा होगा किसके इक्वल, बेस बाय दिस। अब ये इतना, क्योंकि इस वेलोसिटी से जा रहा है, सपोज कर लो क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ तक, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी क्या है, 3c/5, कितना टाइम लेगा यहाँ तक पहुँचने में, टी टाइम लेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम ये देखें, क्योंकि ये क्या है,
सोर्स एमिट कर रहा है लाइट, लाइट मींस फोटॉन्स एमिट कर रहा है, फोटोन की कितनी वेलोसिटी होती है, सी, तो यहाँ से यहाँ ही पहुँचेगी डिटेक्टर के पास, तो स्पीड कितनी होगी, सी, टाइम कितना लेगा, टी टाइम लेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये बन जाएगा टी हो गया है, तो हमारे पास यहाँ से देखो कॉस ऑफ थीटा क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ थीटा बन जाएगा बेस 3c/5 इंटू टी बाय सी टी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ये टी के साथ टी कैंसिल, सी के साथ सी कैंसिल, तो कॉस थीटा आ गया है 3/5, तो वैल्यू पुट कर दो 3/5, सी के साथ सी कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल, तो ये बन गया है न्यू नॉट 1 - 3/5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - यहाँ से 3 × 3 = 9 बाय 5 × 5 = 25, तो यहाँ से बन जाएगा 1 - 9/25 बाय 25 - 9/25, तो न्यू नॉट 25 - 9/25 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 16/25, तो ये भी 25 है, 16 का रूट 4 और 25 का रूट 5 हो जाएगा, तो 4/5 इंटू ये 25/16, ये कट के 4, ये कट के 5, तो न्यू नॉट 5/4 बन गया है, तो हमारे पास न्यू डैश क्या आ गया है, न्यू नॉट 5/4, तो इतनी फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, सिर्फ थीटा एंगल चाहिए, ठीक है। अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो ऐसे सिर्फ थीटा एंगल निकालना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।